जी जनाब, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने वैक्सीन करवा लिया सभी जानवरों को, लंपी स्किन की। और जो जो भाई वीडियो देख रहे हैं जिनके पास जानवर हैं खासकर, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल हैं? ठीक ठाक हैं, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। तो जनाब डेरे पे अभी मुझे फ़ोन आया है पापा का कि डॉक्टर साहब आ चुके हैं और जानवरों को लगवानी है वैक्सीन, वैक्सीन लगनी है आज लंपी स्किन की। तो अभी देखते हैं डेरे पे जाके और वैक्सीन करवाते हैं जानवरों को। जी तो डॉक्टर साहब आ चुके हैं और आज हम लगाने लगे हैं इनको वैक्सीन। वैक्सीन लगेगी लंपी स्किन की। जैसा कि सब लोग जानते हैं कि पिछली दफ़ा लंपी स्किन ने बहुत नुकसान किया था, पाकिस्तान इंडिया सब जगह बहुत जानवर लोगों के मरे थे, जो जानवरों के जिल्द पे सारे ज़ख्म हो गए थे और मसले हुए थे। तो उसकी फिर वबा चल रही है, तो अभी हमने एडवांस ही लंपी स्किन की जो वैक्सीन है वो लगवाना शुरू की हुई है। तो अभी डॉक्टर साहब आ रहे हैं और हम लगवाते हैं इनको लंपी स्किन के वैक्सीन। इलाज से बेहतर एहतियात है जी। नाथी जो आता रहा, नाथी जी, जनाब ये देखें जी, ये वैक्सीन लग रही है लंपी स्किन की। पिछले साल भी लंपी ने बहुत नुकसान किया, पाकिस्तान इंडिया हर जगह। तो अभी ये डॉक्टर साहब आए हैं और ये वैक्सीनेशन कर रहे हैं। अभी ये जानवर बाकी रहते हैं, अभी काफ़ी जानवर रहते हैं वैक्सीनेशन के लिए। नाथे जात का और जो जो भाई वीडियो देख रहे हैं काइंडली उनको भी चाहिए कि जिन जिन के जानवर हैं खासकर गाय वगैरह, इनको लाजमी वैक्सीनेशन करवा लें, क्योंकि पिछली दफ़ा बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ लंपी स्किन की वजह से। वैक्सीनेशन ज़रूरी है जी जानवरों के लिए, खासकर ये जो लंपी स्किन आई है इसने तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान किया था। जी जनाब, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने वैक्सीन करवा लिया सभी जानवरों को लंपी स्किन की। और जो जो भाई वीडियो देख रहे हैं जिनके पास जानवर हैं खासकर ये कोज वगैरह, तो इनको काइंडली आप भी वैक्सीन करवा लें, क्योंकि ये बहुत मौजी मर्ज है, इसने पिछली दफ़ा भी बहुत ज़्यादा नुकसान किया है। सब लोगों को पता है कि लोगों के कितने जानवर एक्सपायर हुए हैं। तो काइंडली
अभी ये बीमारी शुरू शुरू में ही है, अभी आने लगी है, तो इससे पहले इलाज से बेहतर एहतियात है और काइंडली वैक्सीन करवा लें। और इसी के साथ अपने भाई को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। खुश रहें, आबाद रहें।